मच लेकर अति शीघ्र आऊंगा। शताना देता हो स्वार्थ है। वासना यदि प्रेम में ना होती
सरवर, राजा तुमने प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए सुंदर आशीष है। परिवार ही नहीं, हम रही जाना रही जगुनी, हम रही जाना रही इस जगुनी, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रही, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रही। सेवक के द्वारा बुलवाने का कारण जानना चाहते हैं श्रद्धा, आपकी बुलाने का एक ही तो प्रयोजन है। देखो देखो ना भगवान, दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंच में जा जा करके विराजमान हो चुके हैं। चौबीस कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला, परंतु अभी तक वो नहीं आए। कौन? हाँ हाँ, मैं तुम्हीं की बात कर रहा हूँ। वेद माता गायत्री के परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तत्वदर्शी, विराटों के महर्षि श्री विश्वामित्र जी का आगमन, उन दोनों छोटे छोटे सुकुमारों के सहित इस रंगशाला में अभी तक पादार्पण नहीं हुआ है। हम चाहते हैं महाराज जनक जी।
और सदानंद जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव चले जाए मन पूजो चले जाए सम्मुख रखा जा रहा है। जब हम इस पर चिंतन करते हैं तो पाते यह है कि क्या राजा जनक गलत करने जा रहे हैं, अनुचित करने जा रहे हैं, तो विचार आता है कि नहीं, राजा जनक अनुचित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। ये जिस नगरी के राजा है वहां के लिए बताया जाता है कि पूर्ण नरिनार सुहरि सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये मिथिला ज्ञानियों की समाज है और ज्ञानियों की समाज का ऐसा राजा है, क्या उसके द्वारा ये चिंतन व्यर्थ हो सकता है? नहीं, अवश्य ही राजन, तुम्हारे द्वारा जो ये खोज की जा रही है बहुत ही सुंदर है। महामुनि विश्वामित्र जी के जो साथ में है वो है परमात्मा, और राजा जनक है जीवात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा का मिलन सहसा नहीं, आवश्यकता पड़ेगी इस महात्मा की। तुमने वही मार्ग अपनाया है, तुम्हें साधुवाद है। हम चाहते ये है कि जिन मार्गों से हम महामुनि श्री विश्वामित्र जी को लाने वाले हैं उन मार्गों में पुष्प आच्छादित करवा दो, उनके स्वागत की भव्य तैयारियां करो। हम जाकर ये तुम्हारा निवेदन उनके श्री चरणों में प्रस्तुत करेंगे और ऐसी आशा करते हैं कि वो हमारे साथ में ही चले जाएंगे। श्रद्धा जी के कुलाचार्य महर्षि सतानंद जी कहे
सुंदर सदन में आने का कोई विशेष कारण? देवता सर्वप्रथम और आभार छोटू श्रीवास्तव और आपकी ओर से ज्ञापन मुद्राएं प्रदान हुई व्यासपीठ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर्वप्रथम आप विदेहराज जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। देवता योगिराज श्रद्धा जी को हमारी ओर से शुभाशीष, और देवता मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा भी महामंगल हो। आप जानते हैं कि हमारे महाराज ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है, और उसी स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हुए हैं, या फिर यह कह दूं कि वर्तमान समय में मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां की शोभा तो केवल नेत्रों से देखते ही बनती है। देवता कहीं ना कहीं से महाराज जनक को आपकी कमी हृदय से खल रही थी। उन्होंने अपना निवेदन मेरे द्वारा आपके श्री चरणों में भेजा है। देवता स्वीकार करें। अंतिम दिवस अंतिम दिन